अस्सलाम वालेकुम। मदीने की इस्लामी रियासत के क्याम ही से ये बात साबित हो गई थी कि इस्लाम बहुत जल्द एक बैनुल बर्रयाज़म दीन की हैसियत से उभरेगा। इस्लाम की अपने दामन में जो जिस वसत का इजहार किया गया था, जिस वसीउल कल्बी का इजहार किया गया कि तमाम दुनिया के मजाहब और तमाम दुनिया की कौमें इस्लाम से अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करने लगें। अगर आप मदीने की इस्लामी रियासत को देखें तो इसके अंदर पहले ही तमाम दुनिया की एग्जिस्टिंग तहजीबों की नुमाइंदगी मौजूद थी और इसका दामन वसी होता जा रहा था। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो पर्शियन एम्पायर की नुमाइंदगी कर रहे थे, हजरत सोहेब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हो रोमन एम्पायर की नुमाइंदगी कर रहे थे, बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो अफ्रीका की नुमाइंदगी, उम्मुल मोमिनीन बीबी मारिया किब्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा किब्ती ईसाइयों की जो मिस्र में, जिनको बाद में मुसलमानों ने फतह किया, उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। यहूदी ईसाई और मुशरिक अपने अपने आबाई मजहब को छोड़कर इस्लाम के दामन में जगह ले रहे थे। इससे यह बात भी बिल्कुल साबित हो जाती है कि इस्लाम सिर्फ अरबों का मजहब या दीन नहीं था। इस्लाम के अपने दामन में एक गैर मामूली सलाहियत मौजूद है कि दूसरी तमाम तहजीबों को अपनी शनाख्त अपनी जगह पर कायम रखते हुए भी इस्लाम की छतरी के नीचे उनको जमा किया जा सकता है। एक मगरबी मुफक्किर ने कहा है कि देयर इज नथिंग मोर पावरफुल देन द आइडिया हुज टाइम हैज कम, यानी किसी ऐसी सोच और फिक्र से ज्यादा कोई ताकतवर चीज नहीं हो सकती जिस फिक्र के फैलने का वक्त आ पहुंचा। इस्लाम का वक्त आ पहुंचा था। जिस वक्त इस्लाम की दावत लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे हैं, उस वक्त सिर्फ अरब या मुशरकीन मक्का ही जमाने जाहिलियत में नहीं थे, पूरी दुनिया जमाने जाहिलियत में थी। एक तरफ पर्शियन एम्पायर, एक तरफ रोमन एम्पायर, अफ्रीका का और मुशरकीन का अपना ये हाल, और फिर हिंद में मुशरकीन हिंदुस्तान बताते खुद मुकम्मल घटा टोप अंधेरा था जहां तक नूर हिदायत का ताल्लुक है। ईसाइत को गो के आए हुए तकरीबन 600 साल होने को आए थे, लेकिन जब से ईसा अलैहिस्सलाम के मोहब्बत और प्यार के दीन को जालिम रोमन एम्पायर ने अडॉप्ट किया, ईसाइत भी रोमन एम्पायर के जुल्म और जबर की एक नुमाइंदा बनकर रह गई थी। रोमन जिस तरह अपनी सल्तनत पर अपनी कौम पर जुल्म ढाया करते थे, उसमें और पर्शियन एम्पायर के जुल्म में कोई फर्क नहीं था। ये जालिम और जाबिर हुक्मरान और हुकूमतें जिस तरह अपने अवाम पर हुकूमत करती थी, ना उनको इंसान भी नहीं समझा जाता था। और वो ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट्स, वो तसव्वुरात जो इस्लाम लेकर आया, वो उस जमाने के लिहाज से इतने एडवांस और इतने आगे थे कि जहां ना काले को गोरे पर फौकियत थी, ना अरबी को अजमी पर फौकियत थी, इंसान का आपस में एक दूसरे पर फजीलत तकवे और अल्लाह से मोहब्बत और ताल्लुक की बुनियाद भी थी, यहां तक के जानवरों तक के हकूक बयान कर दिए गए। ये वो कॉन्सेप्ट उस जमाने के लिहाज से एक अजूबा थे, लेकिन साथ साथ वो रूहानी तस्कीन दे रहे थे लोगों को कि हर तहजीब ने इस दीन को जौक दर जौक कबूल करना शुरू किया। और ये काफला हिजाज बड़ी शान से हिजाज से निकला दुनिया को फतह करने के लिए। अल्लामा इकबाल ने जैसे फरमाया कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये सफर ना माले गनीमत के लिए था न किश्वर कुशाई के लिए, गो के इस सफर में माले गनीमत भी मिला और किश्वर कुशाई भी हुई, लेकिन नजरियाती तौर पर यह एक दावत थी जो मदीने से निकलकर जजीरनुमा हिजाज से निकल पूरी दुनिया की तरफ फैली। जब मुसलमानों ने इराक और शाम पर अपनी मुहिमों का आगाज किया तो तलवारें जरूर टकराई, लेकिन तलवारें गरीब यतीम बेवा मसाकीन और अवामुन नास के साथ नहीं, जालिम पर्शियन और रोमन एम्पायर से टकराई। ताकत का तवाजुन इस हद तक मुसलमानों के खिलाफ था कि अकली तौर पर मुमकिन ही नहीं था कि मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर को शिकस्त दे सकते। उसके बावजूद जब उन ताकतों को शिकस्त हुई और वो अपनी अपनी सल्तनतों से पीछे हटाए गए, तो फिर मुसलमानों ने अवामुन नास के साथ क्या सलूक किया? जो जंगी कवायद और कायदे और जो सलूक अवामुन नास के साथ किया गया वो इस कदर गैर मामूली था कि इस्लाम जंगल की आग की तरह लोगों में फैलना शुरू हो गया। ये कवायद और कायदे कि ना जंगलों को काटा जाएगा, ना शहरों को जलाया जाएगा, ना बूढ़ों औरतों बच्चों को तबाह किया जाएगा, ना इबादतगाहें खराब की जाएंगी, ना जानवर हलाक किए जाएंगे, ये इतने गैर मामूली थे कि लोगों के लिए जब एक सल्तनत हटाई गई उनके ऊपर से, एक जालिम हुक्मरानों को हटाया गया और उसके बाद इस्लाम अपनी मोहब्बत और प्यार की दावत के साथ उनके पास पहुंचता है, तो तमाम वो तहजीबें, चाहे वो अरब हों या गैर अरब हों, उन्होंने इस्लाम की दावत को अपने सीने से लगा लिया। नतीजा ये हुआ कि हिजरत के तकरीबन 80 साल के अंदर हाल ये हो चुका था कि तमाम इराक, तमाम शाम, मिस्र, तमाम शुमाली अफ्रीका और फिर खुरासान, अफगानिस्तान
और ये तमाम इलाके मुसलमान हो चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे थे कि जो मुसलमान वहां तक अभी पहुंच नहीं पाए थे, यानी हिंदुस्तान का इलाका मावराउन नहर, यानी वो इलाके जो सेंट्रल एशिया में आज शुमार होते हैं, वो इलाके जो एशिया माइनर यानी तुर्की के वो इलाके के जहां आज तुर्की की रियासत कायम है, और यूरोप। इन तमाम इलाकों पर फतूहात का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता जारी था। Thank you.